नेता और मंत्री राज्य और समाज को एक दिशा देते हैं, लेकिन अखिलेश सरकार के मंत्री ऊटपटांग और विवादित बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में नव नियुक्त आबकारी राज्य मंत्री रामकरण आर्या भी हैं। मंत्री ने यह कहा कि अवैध शराब का प्रचलन अगर रुक जाएगा तो फिर इतना बड़ा तंत्र क्या करेगा, ये रुकने वाला नहीं है, निरंतर चलता रहेगा। अब सोचिए जरा, अमीरी और गरीबी भी निरंतर चलती रहेंगी, ये बयान आबकारी राज्य मंत्री रामकरण आर्या का है। यथार्थ तो यह है कि अगर रुक ही जाएगा तो फिर इतने तंत्र की क्या जरूरत है। हम ये निरंतर चलता रहेगा, जैसे इस मुल्क में गरीबी या दुनिया में गरीबी और अमीरी ये दोनों निरंतर चलता है। शोषण और शोषित, शोषण करने वाले और शोषित लोग ये भी समाज में रहते हैं। उसी तरीके से एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे, परिश्रम कोशिश करेंगे कि इसमें कोई विकृति ना आवे और कोई घटनाएं नहीं घटने पाए। बाकी तो कुछ प्रकृति के दिन होती है, हम भी सड़क पर चलते हैं।